विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में भारी मतदान पर जताई खुशी, कहा जहां बहिष्कार के आह्वान होते थे वहां हो रहा है जमकर मतदान। दिल्ली की आतिशी सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का किया फैसला, दिल्ली में लागू हो सकता है ऑड इवन नियम। जम्मू में चुनावी सभा में बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा बीजेपी ने आपका हक छीना, वापस दिलाने की गारंटी हमारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मेक इन अडानी हो गया मेक इन इंडिया। आप चीफ अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी, पीएम मोदी के रिटायरमेंट से जांच एजेंसियों के दुरुपयोग तक पूछे 5 सवाल। शरद पवार बनाम अजित पवार सिंबल केस में सुप्रीम कोर्ट में 1 अक्टूबर को सुनवाई, शरद पवार गुट ने याचिका में की दोनों एनसीपी को अलग चुनाव चिन्ह देने की मांग। कृषि कानूनों की वापसी वाले बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की माफी, बोली अपने शब्द लेती हूं वापस, बीजेपी ने पहले ही बयान से कर लिया था किनारा। बदलापुर मामले में आरोपी के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, कहा घटना को एनकाउंटर मानना मुश्किल, बचाव में पैर पर मारते हैं गोली सिर में नहीं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा कोई ताकत नहीं है जो 3 काले कानूनों को फिर से लागू करवा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जज की माफी की मंजूर, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते, हाईकोर्ट के जज ने बेंगलुरु के मुस्लिम इलाके को कहा था पाकिस्तान। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 6 स्थान पर पहुंचे ऋषभ पंत, रोहित कोहली को 5 पायदान का नुकसान, गुरबाज टॉप 10 में पहुंचने वाले पहले अफगानी बल्लेबाज। विराट कोहली ने कानपुर पहुंचकर होटल स्टाफ से नहीं मिलाया हाथ, कहा सर 2 ही हाथ है, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। भारत बांग्लादेश के बीच 27 सितंबर से शुरू हो रहे हैं टेस्ट मैच। दर्शकों पर चढ़ा देवरा का खुमार, एडवांस बुकिंग में धड़ाधड़ बिक रही फिल्म की टिकटें, फिल्म में पहली बार जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर एक साथ आएंगे नजर। शादी के 8 साल बाद तलाक ले सकती हैं उर्मिला मातोंडकर, फिलहाल पति से अलग रह रही हैं एक्ट्रेस। उर्मिला और मोहसिन अख्तर ने 3 मार्च 2016 में किया था निकाह।